कवर्धा से एक बड़ी खबर आ रही है और दो नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये कहाँ के मिले हैं और किस तरह की कवायतें हैं इसके संबंध में अधिक जानकारी के लिए सूर्या चंद्रवंशी बताएंगे पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए आज जो है कवर्धा शहर में कोरोना के दो नए केस सामने आए हैं और जैसे ही कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं उसके बाद पूरी तरीके से कवर्धा शहर में हड़कंप मच गया है। बता दें आपको कि कवर्धा शहर के राजमहल चौक और आदर्श नगर में ये दोनों केस मिले हैं और दोनों केस जो है होम क्वारंटाइन में भर्ती थे। इसके कारण प्रशासन जो है ज़्यादा चिंता नहीं जता रही है। हालांकि इन दोनों जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको कबीरधाम जिले के महाराजपुर कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं इन दोनों इलाकों के जो दुकानें हैं उसको जो है सील कर दिया गया है। बंद कराने के बाद इलाके को पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन घोषित भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कबीरधाम जिले में कोरोना के इस दो नए मामले सामने आने के बाद अब जिले में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 53 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग जो है इनके संपर्क में आने वाले लोगों की हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई है।